नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो इस समय हम लोग बीबीडी यूनिवर्सिटी के सामने एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे तीज सेलिब्रेशन किया गया। तीज क्वीन के लगे क्राउन मॉल में है आपका, जहाँ पे मिस एंड मिसेस क्वीन को लेकर के, तीज क्वीन को लेकर के कार्यक्रम रखा गया था दर्शना जी के द्वारा, तो उनसे हम बात करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्या रहा था? मैम आपका स्वागत। थैंक यू वेरी मच। ये क्राउन मॉल में हो रहे हैं एंड मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ इसका, जो वुमेन ऑफ विजडम और क्राउन मॉल की तरफ से दोनों कोलैबोरेशन में ये इवेंट हुआ है। प्लस आपका टी स्क्वीन कॉन्टेस्ट में ये था कि मिसेस था और मिस दोनों कैटेगरी में था, तो हम लोगों ने, काफ़ी लेडीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, अप्रॉक्स 65 है ना, प्लस मिस में भी थे, और हम लोगों ने टॉप 3 निकाला दोनों कैटेगरी में से, ठीक है, और सबको क्राउन पहनाया, प्लस सबका रैंप वॉक हुआ, गिफ्टिंग हुई, सबका टैलेंट राउंड हुआ, तो ये सब एक्टिविटीज़ हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी मैम, टीच क्वीन कौन रहा? टीच क्वीन वर्तिका श्रीवास्तव है, तो वो टीच क्वीन रही है। मेरा नाम कविता सेठी है और मैं इस इवेंट में ज्वेलरी पार्टनर रही हूँ। मेरी ब्रांड का नाम है मॉड मंत्रा और उसमें हम लोग हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी एंड बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसमें डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उसमें से 20 पार्टिसिपेंट्स चूज़ किए गए थे, उन सब ने मेरी ज्वेलरी को वेयर करके वॉक किया और कुछ राउंड्स किए और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब आपके हाथ की बनाई हुई चीज़ें लोग पहनते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो इट फील्स ग्रेट एंड ऑल थैंक्स टू दर्शना। मैम कितने स्टॉल लगे थे यहाँ पे? अप्रॉक्स एग्जीबिटर्स जो है सब जनरली मेरे यहाँ पे हैंडक्राफ्टेड आइटम्स ही सब लगाते हैं। यहाँ पे अप्रॉक्स 26 स्टॉल्स थे जो अलग अलग होम डेकोर के थे, कुछ अच्छे से ज्वेलरी का था, सम प्लांट्स के थे एंड लाइक डिफरेंट स्टॉल्स, सम फूड का भी था, लाइक जो घर पे बनाते हैं लोग वो थे, 26 अराउंड स्टॉल्स थे यहाँ पे। मैंने हमेशा देखा जैसे कि आप जो है कुछ लोगों से अलग हट के कार्य करती हैं, जैसे जैसे लोग तीज का कार्यक्रम मॉल जैसे होटलों में करते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में करते हैं, आपने यहाँ पे मॉल में किया, तो इसका क्या? मैं मॉल में इसलिए करती हूँ क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म ऐसा देना चाहिए जहाँ पे आप कम चार्जेस में, क्योंकि मैं ज़्यादातर वुमेन एंटरप्रेन्योर पे ही काम करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लेडीज़ को ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिले जो कम भी पैसा उनको इन्वेस्ट हो, प्लस थोड़ा बहुत कुछ अच्छा अपने लिए भी अर्न करे और थोड़ा सा यू नो कॉन्फिडेंस भी बढ़े। तो मॉल में ऐसा होता है कि आप तरह तरह के लोगों के साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, है ना, और मॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट लोग लाइक यू नो, तो इसके वजह से मैं मॉल को चूज़ करती हूँ ताकि थोड़ा हम लोग, और ज़्यादातर इवेंट मैं ऐसा करती हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो इसका कोई चार्जेस नहीं है। जैसे मैंने अभी मिस और मिसेस का जो ये एक्टिविटी करी है टीज क्वीन कॉन्टेस्ट, जिसमें मैंने कोई चार्जेस नहीं रखे, बट हम लोगों ने ऐसा विनर चूज़ किया कि लोग यू नो जो पहली बार कर रहे थे और जो हाउस वाइफ थे उनका ये कहना था, मतलब मेरे को, मुझे ये कहना था उन लोगों का कि हम लोग को बहुत अच्छा लगा, पहली बार हम लोग आए हैं यहाँ पे ज़िंदगी में पहली बार, एंड आई फील सो गुड एंड सो कॉन्फिडेंट, सब लोगों ने मुझे बहुत थैंक यू बोला, तो मुझे वो सब चीज़ें बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं इसलिए सब हाउसवाइफ और जो घर से काम करना चाहते हैं उनको एनकरेज करने के लिए लाइक यू नो थोड़ा इस टाइप की एक्टिविटीज़ कर, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन। बिल्कुल बिल्कुल, महिला को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, जैसे आप भी एक महिला है नो लाइक सब महिला आप देख रहे थे अभी कविता सेठी जी है जो ज्वेलरी डिज़ाइनर है, तो उनका ज्वेलरी से ही यहाँ पे पहन के सब मॉडल्स ने वॉक किया जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, तो उनको भी एक प्रोत्साहन यू नो लाइक एनकरेजमेंट मिलते हैं, तो उनको भी अच्छा लगा, तो मुझे भी अच्छा लगता है लेडीज़ के साथ। आज कितनी टोटल महिलाएं थी जो कि मिस एंड मिसेस, टोटल कितनी महिलाएं थी जितने? हाँ टोटल तो 75 अराउंड थे, टोटल अराउंड थे, तो हम लोगों ने उसमें टॉप 20 निकाला, उसमें से फिर हम लोगों ने विनर निकाला, टॉप 3 बोथ साइड बोथ कैटेगरी। हाँ जी, तो आज हम आपको लेकर के आए थे बीबीडी यूनिवर्सिटी में क्राउन मॉल में लेकर के आए थे जहाँ पे तीज क्वीन हुआ दर्शना मैम के द्वारा, जहाँ पे विनर भी हुई, 3 विनर हुई मिस में भी और 3 विनर हुई मिसेज में भी, तो ऐसे में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हरियाली तीज को लेकर के अलग अलग जगह पे अलग अलग इवेंट हो रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।